दमोना का मदन महल फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण होने लगा है। जितने हिस्से में सड़क निर्माण हो गया है वहां लोगों ने हाथ ठेला और गुमटियां लगा ली है। कहीं पर वाहन पार्क हो रहे हैं तो कहीं पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है। दमोना का मदन महल फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से को अतिक्रमण से मुक्त रख पाना मुश्किल हो गया है। जितने हिस्से में सड़क बन गई है उतने हिस्सों में लोगों ने अपने हाथ ठेले और गुमटियां जमा ली हैं। फ्लाईओवर के वो हिस्से जिसे सुविधाजनक निकलने के लिए उपयोग में आना चाहिए वो अवैध पार्किंग स्थल में परिवर्तित हो गए हैं। सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसे लेकर राहगीर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। दशमेश द्वार पर बनी रोटरी के चारों ओर लोगों ने हाथ ठेले काबिज कर लिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार महानद्दा पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। अतिक्रमण तो देख रहे हैं, निकलने की रास्ता भी नहीं है और जो ब्रिज बन रहा है वो इस रोड पे तो बहुत धीमी गति से बन रहा है। इस रोड पे हमेशा ये समस्याएं बनी रहती है, जबकि मैंने ये PWD और CM हेल्पलाइन में भी ये कंप्लेंट डाली थी कि ये छोटा सा पार्ट है, जल्दी निपटाया जाए। और इसका जिस हिसाब से सेंक्शन है उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि ये बन रहा है। उसकी रोड की चौड़ाई भी 7 मीटर मात्र बनाई जा रही है, जबकि सेंक्शन कम से कम 9 मीटर की होगी। 7 मीटर मात्र बनाया जा रहा है, जहाँ पर आने जाने वाले समय में टर्मिनल बनना है, दो दो मॉल बन रहे हैं, डी मार्ट सुना है यहाँ आने वाला है, तो कितनी भीड़ चौराहे पे होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रोड पे पार्किंग वगैरह भी हो रही है? तो पार्किंग भी है, चलने लायक जगह नहीं है। दोनों रोड को इस तरह बंद कर रखा है कि 1.5 महीने से रोड बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे व्यापार तो पूरी तरह ठप्प पड़ा हुआ है, मतलब आज 10% भी व्यापार नहीं बचा हुआ है। और ट्रैफिक जाम वगैरह यानी गुलाटी पेट्रोल पंप से लेके महानद्दा तक, इसमें देखने में ये आ रहा है कि जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद से पहले एक दो ठेले लगते थे, लेकिन अब ठेलों की तादाद बढ़ते जा रही धीरे धीरे, साथ के साथ पार्किंग भी लोग रोड पे करने लगे हैं। तो जिससे कि आने वाले समय में ये जो अपन ने पुल निर्माण करवा किया है सरकार ने, कि जिससे कि यहाँ का यातायात सुगम हो सके, तो मेरे को नहीं लगता कि ये यातायात सुगम होगा आने वाले समय में। मेरे को लगता है फिर से यहाँ इंक्रोचमेंट होके जैसी पहली स्थितियाँ थी यहाँ पे जाम की, वो स्थितियाँ पुनः बन रही हैं। अतिक्रमण वगैरह रहता है, इनसे कई बार टकराते हैं, या गाड़ियाँ जो पार्किंग होती है आइट साइड में उनसे कई बार टकराते हैं। फ्लाईओवर के नीचे थमे कब्जे शहर की यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन सकते हैं, लिहाजा उन्हें हटाने में नगर निगम को मुस्तैदी दिखाना चाहिए।